डियर स्टूडेंट जय गुरुदेव, श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ्स डिफ्रेंशिएशन एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 1 का अध्ययन किया, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को हल किया था। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3ax y। ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपके अस्पष्ट फलन है। जैसा कि हमने पूर्व कक्षा में किया था, उसी प्रकार हमें इसका भी अवकलन करना है। सभी पदों का अवकलन होगा, तो मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट एक्स के सापेक्ष पहले पद का भी अवकलन प्लस एक्स के सापेक्ष दूसरे पद का भी अवकलन इज इक्वल टू दूसरे पक्ष का भी एक्स के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करेंगे हम यहाँ पर, तो एक्स क्यूब का अवकलन 3x² प्लस वाई क्यूब का अवकलन 3y² एंड वाई का अवकलन dy/dx इज इक्वल टू 3a कॉन्स्टेंट x इंटू वाई। दो पदों का गुणा हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो x का अवकलन 1 होता है, तो हम सीधा 1 ही लिख देते हैं यहाँ पर इंटू 1। नेक्स्ट इसको हल करते हैं आगे, तो 3x² प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल टू, फर्स्ट खोलते हैं यहाँ पर, तो ये आएगा 3ax dy/dx प्लस 3ay। अब हमें dy/dx ज्ञात करना है, इसलिए दोनों पदों में से dy/dx कॉमन लेना है, देन dy/dx इंटू यहाँ से कॉमन आया 3y² माइनस यहाँ से कॉमन आएगा 3ax इज इक्वल टू, इधर क्या बचा हुआ है 3ay, और ये वाला पद भी उस तरफ हो जाएगा पक्षांतरण 3x². नाउ dy/dx इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x² अपॉन 3y² माइनस 3ax, और यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको। फिफ्थ का बी प्रश्न है, बी प्रश्न क्या, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, x की पावर y, x भी फलन का पद है और y भी फलन का पद, दोनों चर है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर, इसको हम कहते हैं फलन की पावर फलन। जब इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास आ जाए कि फलन की ज्ञात फलन हो, उस समय अवकलन करने के लिए हम इस प्रकार का स्टेप काम लेंगे, इनको हम कहते हैं लघुगणकीय फलन। क्या कहते हैं इनको, लघुगणकीय फलन। मान लिया जो हमें यहाँ पर इस विधि को सीखने के लिए, मान लिया नीचे यहाँ फलन, यहाँ तो यू भी एक फलन है और इसकी पावर वी भी फलन है। अब इस प्रकार के पदों को जब फलन की पावर फलन हो, घात में भी चर का पद हो, उस समय इसका अवकलन कैसे करेंगे, इसके लिए मान लेते हैं, माना वाई इज इक्वल टू यू की पावर वी। यू भी चर का पद है फलन है, वी भी चर का पद है फलन है। चर स्वतंत्र भी हो सकता है, चर प्रतंत्र भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मान लिया इसको हमने y मान लिया, अब इसका अवकलन करने के लिए, अवकलन करने से पहले हमें दोनों पक्षों का log लेना पड़ेगा। तो log लेने पर, log लेंगे इधर आएगा log y इज इक्वल टू log u की पावर v। अब log के नियम से v गुणा में आ जाएगा, log y इज इक्वल टू वी log u। log का नियम लगाया, घात आ गई गुणा में। अब इतना करने के बाद फिर हमें इसका अवकलन करना है, तो अवकलन करेंगे यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। देन क्या हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा log, log का अवकलन होता पहले क्या होता, log का अवकलन 1/y, log x का होता 1/x, और y का होगा dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन
अब व्यवस्थित करते हैं हम यहाँ पर, तो क्या आएगा व्यवस्थित में यहाँ पर, यहाँ हमारे यहाँ पर वन अपॉन वाई, वाई का तिरछा गुणा कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इन टू, यहाँ हो जाएगा वी इन टू लॉग यू का उत्कलन वन अपॉन यू इन टू डी यू बाई डी एक्स प्लस लॉग यू इन टू डी वी बाई डी एक्स। व्यवस्थित करें इसको तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का मान रख देंगे वापस यू की पावर वी, वाई का मान यहाँ रहा यू की पावर वी इन टू वी अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स प्लस लॉग यू डी वी बाई डी एक्स। इतना ही स्टेप करते ही आपको उसका अवकलन मिल जाएगा। तो ये मेथड बताया मैंने आपको, ये मेथड कब काम में लेना है, जब घात में भी चर एक्स या वाई का पद हो, घात में भी चर एक्स या वाई का पद हो उस समय आपको ये मेथड काम में लेना है, लॉग वाला मेथड काम में लेना है, दोनों पक्षों का लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद लॉग का नियम लगाना है घात वाला, और नियम लगाने के बाद फिर सभी पदों का अवकलन करना है, फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं इसी प्रश्न का बी पार्ट हल करेंगे हम, फिफ्थ का बी, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर बी। तो देखिए यहां पर इस प्रश्न में फलन की पावर फलन प्लस फलन की पावर फलन, फलन की पावर फलन के दो पद है अलग अलग, तो दोनों पदों का अवकलन हम साथ में नहीं कर सकते, हम यहाँ क्या करेंगे दोनों का अलग अलग अवकलन करके फिर यह मान रखेंगे। इसके लिए मान लिया पहला पद जो है वो है u, u को मान लिया x की पावर y और दूसरे पद को मान लिया मैंने v, फिर मान रखा यहाँ पर तो पहला पद u प्लस v इज इक्वल टू ए की पावर b। अब हम यहाँ पर इसको डाल सकते वन, इसको डाल सकते टू और ये इक्वेशन हो गई थ्री। अब हम पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं इक्वेशन तीन का, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन थ्री, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स ए की पावर बी। ये देखो ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका अपना होगा जीरो, देन डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, समीकरण नंबर चार। अब हमें समीकरण एक व दो का अलग अलग अवकलन करना है, तो मैं वापस लूंगा समीकरण नंबर एक, समीकरण एक से, समीकरण एक में क्या है u इज इक्वल टू एक्स की पावर y, फलन की पावर फलन, जैसा कि अभी हमने मेथड पढ़ा है उस मेथड से इसका अवकलन करेंगे, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे log लेने पर, दोनों पक्षों का log लेंगे तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log एक्स की पावर वाई, देन लॉग यू इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स। अब लॉग का नेम लगा दिया, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देन लॉग का हो गया वन अपॉन यू डी यू ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू वाई फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन, देन वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब हम यहाँ क्या करेंगे u का तिरछा गुणा कर देंगे तो डी यू ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू यू इन टू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, समीकरण नंबर नेक्स्ट पांच। अब हम समीकरण नंबर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फाइव, सॉरी टू, इक्वेशन टू का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं वापस हम वी इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स,
लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग वी इज इक्वल टू लॉग वाई की पावर एक्स। अब लॉग का नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग वी इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई। अब दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट एक्स, देन ये हो जाएगा लॉग का वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड लॉग वाई का उपलन वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन कौन है लॉग वाई, सेकेंड फंक्शन लॉग वाई इंटू फर्स्ट का उपलन एक्स का उपलन वन। देखो यार इसको व्यवस्थित करने के लिए यहाँ जगह कम है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन चार में मान रखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ इक्वेशन वन टू थ्री फोर तक तो साफ कर नहीं सकते हम, मैं इसको यहाँ बीच वाले जगह जगह बना देता हूँ। डी यू ये भी रखना मान हमें, नेक्स्ट इसके आगे हो जाएगा वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। अब v का तिरछा गुणा करेंगे हम तो क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। समीकरण नंबर छः, अब हम यहाँ पर समीकरण पाँच और छः से मान कर रखेंगे समीकरण चार में, या लिखूंगा मैं इधर समीकरण चार में मान समीकरण पाँच व छः से रखने पर, तो मान रख रहा हूँ इधर आएगा तो क्या आएगा डी यू ऑफ डी एक्स का मान कहाँ है डी यू, ये रहा मान, इसका मान क्या u इंटू या देखिए वाई अपॉन एक्स था वाई अपॉन एक्स प्लस log x dy वाई बाई डी एक्स, ये तो हुआ किसका मान हुआ डी यू ऑफ डी एक्स का, प्लस अब हम मान रखेंगे डी वी ऑफ डी एक्स का, डी वी ऑफ डी एक्स का मान ये रहा v इंटू क्या मान है x अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y इज इक्वल टू क्या यहाँ पर जीरो, इसलिए आएगा जीरो। अब हमें dy वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना है डी वाई ऑफ डी एक्स का मान, तो इसलिए हम डी वाई ऑफ डी एक्स के पदों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन लेना डी वाई ऑफ डी एक्स और यहाँ से भी कॉमन लेंगे डी वाई ऑफ डी एक्स, कॉमन लेते हैं यहाँ पर डी वाई ऑफ डी एक्स इन टू क्या कॉमन आएगा गुणा करेगा यू इन टू लॉग एक्स, यू इन टू लॉग एक्स प्लस वी इन टू एक्स अपॉन वाई, ये इसमें से और इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया डी वाई ऑफ डी एक्स कॉमन ले लिया, प्लस देखिए अब क्या बचता है ये वाला पद बचेगा, ये वाला पद क्या बचा यहां पर यू वाई अपॉन एक्स, ये वाला पद बचेगा कौन सा ये इंटू ये प्लस वी इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू जीरो। अब हमें यहां पर u और v के मान रख देने हैं और dy वाई ऑफ डी एक्स भी रख देंगे हम, पहले जब उसका पक्षांतरण कर देते हैं हम इन पदों का उसके बाद ही मान रखते। नेक्स्ट इसके आगे स्टेप क्या आएगा, इसके आगे हम यहाँ करते हैं देखिए अब dy वाई बाई डी एक्स को ही रहने दें, इन वाले पदों का उधर हम पक्षांतरण कर देते हैं तब क्या बन जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इन टू यू log x प्लस v x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस, सारे पदों पर लिख देते साथ में हम वापस माइनस कॉमन ले लिया दोनों पर हमने आएगा यू वाई अपॉन एक्स माइनस वी सॉरी प्लस माइनस बार कॉमन ले लिया प्लस v log y। अब हम इसमें
इसका इधर भाग लगाएंगे, फिर लास्ट में रखेंगे यू और वी का मान। तो क्या होगा देखिए आप यहाँ पर, इसको मैं साफ करता हूँ यहाँ से, जगह कम है थोड़ी। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई अपॉन एक्स प्लस वी लॉग वाई अपॉन, यहाँ क्या होगा यू लॉग एक्स प्लस वी एक्स अपॉन वाई। अब हम यू और वी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू की वैल्यू कहाँ थी हमने फर्स्ट में मानी थी समीकरण एक बार दो में, क्या मानी थी हमें यहाँ पर यू का वैल्यू माना था हमने एक्स की पावर वाई, ये हो जाएगा x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस v की वैल्यू क्या मानी थी हमने, v की वैल्यू मानी हमने y की पावर x log y अपॉन u की वैल्यू x की पावर y log x प्लस v की वैल्यू y की पावर x log y। यही इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। इसमें थोड़ा और सुधार कर सकते हैं, देखिए आप अपॉन में एक्स है या एक्स की पावर वाई है तो एक्स की घात यहाँ क्या वन है, ऊपर जाके घाती कम हो जाएगी, तब यहाँ हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर वाई माइनस वन, वाई तो थी एक नीचे थी ऊपर जाके माइनस वन कम हो गई इंटू वाई प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई अपॉन, ये हो जाएगा एक्स की पावर वाई देखो यहां अपॉन एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस, अब यहां देखिए हमने एक मिस्टेक की है यहां पर, ये सुधार करते हैं यहां पर क्या मिस्टेक हुई है, ये जो पद गलत लिखी है हमने, यहाँ पद क्या आएगा v इंटू एक्स अपॉन वाई, तो v की वैल्यू हमें यहाँ रखी है, v की वैल्यू क्या है v की वैल्यू है y की पावर x, तो यहाँ y हर में है यहाँ भी y की घात कम हो जाएगी प्लस y की पावर x माइनस वन इंटू एक्स, यही इस प्रश्न का आंसर है। सरल है पर थोड़ा स्टेप का आपको ध्यान रखना, स्टेप बाई स्टेप चलना है। इसी के साथ आपके फिफ्थ का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। सिक्स का ए वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई, चर के ऊपर चर है फलन के ऊपर फलन है तो दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, लॉग लेने पर तो क्या आ जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर वाई, लॉग का नियम लगाएंगे तो लॉग वाई इज इक्वल टू y log x। अब क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों पक्षों का, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, देन हो जाएगा log का होगा 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू log x का अपॉन 1 अपॉन x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन। नाउ डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहाँ से बचा वन अपॉन वाई माइनस यहाँ से ये लॉग एक्स उधर जाएगा तो माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। अब दिशा गुणा कर दें तो क्या आएगा ये हो जाएगा इधर आपके डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इंटू जाएगा इस अंश में जाएगा ऊपर क्या जाएगा वन अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स, एलसीएम लेके हल करें तो क्या होगा देखो वाई इंटू यहाँ एलसीएम आया वाई वन माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स, वाई से वाई कैंसिल देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स, यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है। देखिए ये मैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
मिस्टेक है हमारा, इसको सुधार करते हैं हम। क्या आएगा यहाँ पर, ये जो हमने अंश में लिया है अंश में नहीं, ये क्या आएगा हर में आएगा। इसके बाद का सारे स्टेप सुधारते हैं हम। क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये लेफ्ट हैंड में अंश में था, इधर यहाँ क्या आएगा हर में, वन अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स। अब हर में इसका एलसीएम होगा, एक्स बाहर, इसका एलसीएम आया वाई, वन माइनस वाई लॉग एक्स, देन वाई ऊपर जाएगा तो वाई से वाई गुणा होकर जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वन माइनस वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये इस प्रश्न का आंसर है। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक किया, अंश में था हर में जाएगा, इसको आप सुधार करें नहीं। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वाई की होल पावर ए प्लस बी। अब यहां देखिए आप, एक्स की पावर अलग है और वाई की पावर अलग है, तो इन दोनों की पावर लॉग का नियम लगाएंगे इस तरफ हम, तो क्या आएगा देखो, लॉग एक्स की पावर ए प्लस लॉग वाई की पावर बी इज इक्वल टू, इधर लॉग का नियम लगाएंगे तो ए प्लस बी लॉग एक्स माइनस वाई। अब हम सभी पदों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे या और लॉग का नियम घात को आगे ले आते हैं हम, ए लॉग एक्स प्लस बी लॉग वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी लॉग एक्स माइनस वाई। अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो जो ए इंटू वन अपॉन सॉरी लॉग का हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस बी लॉग का वन अपॉन वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी लॉग का वन अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का, एक्स का अवकलन वन माइनस वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स कोष्ट खोल देते हैं एक बार हम, तो देखो क्या आता है यहाँ से, यहाँ से आएगा ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ गुणा करने से हुआ इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई, वन से गुणा किया माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, दोनों जगह से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटू बी अपॉन वाई, यहाँ से यहाँ आएगा माइनस क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स। नेक्स्ट यहां भी एलसीएम लेंगे और इधर भी हम एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा देखिए आप, डी वाई बाई डी एक्स, यहां एलसीएम आएगा आपके वाई इंटू एक्स माइनस वाई, हल करेंगे b इंटू एक्स माइनस वाई प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू, यह एलसीएम होगा x इंटू एक्स माइनस वाई, हल करेंगे x इंटू ए प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस वाई। फर्स्ट खोलते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू बी एक्स माइनस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, फर्स्ट खोलेंगे यहां भी ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस बी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप जगह बनाते हैं हम यहां पर, यहां हल करेंगे इसका, देखिए क्या होगा इधर,
ये हो जाएगा आपके यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। कोष्टक के अंदर देखिए क्या होगा, देखो यहाँ कॉमन कैंसिल क्या क्या हो रहा है, बी वाई माइनस का बी वाई प्लस का कैंसिल, बचा क्या बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ए एक्स प्लस का ए एक्स माइनस का कैंसिल, बचा क्या बी एक्स प्लस बी वाई, बी एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी कॉमन आ रहा है एक्स प्लस वाई, देख चेक कर लेते अपन बी एक्स और बी वाई कहाँ से आया, यहाँ बी एक्स, यहाँ देखो माइनस ए एक्स प्लस ए वाई आएगा, क्या आएगा यहाँ पर ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई आएगा, ए वाई तो यहाँ कॉमन नहीं आएगा, बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन बी एक्स माइनस ए वाई, तो क्या होगा देखिए इधर आओ आप एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, तो ये नेक्स्ट होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इंटू क्या जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन बी एक्स माइनस ए वाई, यही इस प्रश्न का आंसर है। देखिए थोड़ा सुधार होगा इसमें आपके, यहाँ जो स्टेप आया डी वाई बाई डी एक्स के गुणा में ये बी एक्स प्लस ए वाई है, हमने जल्दबाजी में क्या किया इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ प्लस ए वाई आएगा, यहाँ प्लस ए वाई आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस ए वाई आएगा, प्लस ए वाई आएगा तो बी एक्स प्लस ए वाई और बी एक्स प्लस ए वाई ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या वाई अपॉन एक्स, यह इस प्रश्न का आंसर है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी आप करने का प्रयास करने